वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ एक आईएएस मेंस का चैप्टर, और आईएएस में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, या इसको हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इस चैप्टर को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसी भी है उसके बारे में हमें पता कैसे चलता है, यानी इसके स्रोत क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसके स्रोत, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत यानी कि सोर्सेस क्या क्या हैं। और अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है आर एस मेंस में, 2 मार्कर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो 2 मार्कर के हिसाब से हम उसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट सोर्स, और दूसरे हैं अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट सोर्स। प्रत्यक्ष स्रोत या डायरेक्ट सोर्सेज वो सोर्सेज हैं, वो स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम पृथ्वी की संरचना को बिल्कुल हमारी आंखों के सामने देख सकते हैं, यानी जिन स्रोतों को, जिन सोर्सेज को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्षतः अपने सामने, जिनकी गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनपे कोई रिसर्च कर सकते हैं, उन्हें हम प्रत्यक्ष स्रोत बोलते हैं। अब प्रत्यक्ष स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पृथ्वी की चट्टानें। जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी की जो सतही चट्टानें हैं, इनका हम अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे हमने कहीं खुदाई की और खुदाई के दौरान हमें जैसी जैसी चट्टानें मिल रही हैं उसके बारे में। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। अब इतनी जब त्रिज्या है तो हम पृथ्वी में कहां तक खुदाई कर सकते हैं, पृथ्वी की सतह की हम बात कर रहे हैं एकदम सर्फेस की, इतनी गहराई तक तो हम खुदाई कर नहीं सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और स्रोत देखें तो जैसे पृथ्वी पर है खानी, तो खनन से हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। लेकिन जैसे पृथ्वी की जो सबसे गहनतम खाने हैं, सबसे गहरी खाने हैं, माइंस है, वो लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर और पृथ्वी पर हम खुदाई कर रहे हैं 3 किलोमीटर, और हम बोल रहे हैं कि उससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलेगा, तो ये भी बड़ा मुश्किल है। फिर हम बात करें पृथ्वी पर खुदाई ना करके हमने महासागरों में खुदाई कर ली, तो यानी महासागरीय उत्खनन। महासागरीय उत्खनन, महासागरों में भी खुदाई कर ली, तो मान लो महासागरों का सबसे गहनतम बिंदु मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है 11 किलोमीटर तक। अब 11 किलोमीटर पे हमने खुदाई करना शुरू किया, मान लो 3-4 किलोमीटर पे भी खुदाई कर ली, जो कि अभी हमने मैरियाना ट्रेंच में वैसे नहीं की है, तो अगर वहां पे भी खुदाई कर ली तो भी मान लो 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर, और पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। इसके अलावा फिर हम बात करें कि हमने पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी आते हैं, तो ज्वालामुखी से जितने भी जो भी पदार्थ निकलते हैं, या ज्वालामुखी से जो भी मटेरियल निकल रहा है, वोल्केनिक इरप्शंस है, उनका हमने अध्ययन कर दिया। हाँ, तो ज्वालामुखी, मान लो ज्वालामुखी में हम बात करें जो भी पदार्थ पृथ्वी के अंदर से आ रहे हैं लगभग 400 किलोमीटर की गहराई से, तो उन पदार्थों का अध्ययन करके भी हमने पृथ्वी की जो है ऊपरी संरचना के बारे में ही जाना है। तो प्रत्यक्ष स्रोत जो है इनकी कुछ सीमाएं हैं। अब अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत वो है जिनमें हम अनुमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाते हैं। जैसे ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अप्रत्यक्ष स्रोत में है तापमान। हमने देखा कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम गहराई पर जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ता जा रहा है 32 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से। तो हमने मान लिया कि मान लो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 700 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की गहराई पर इतने तापमान पर चट्टाने किस अवस्था में होंगी, लेकिन तापमान के परिवर्तन की दर वैसी ही रहेगी ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही दबाव है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते जाते हैं जो चट्टाने हैं उनका दबाव बढ़ता जाता है, चट्टानों का दबाव बढ़ता जाता है, तो उसमें हम देख लेते हैं कि ऐसे तत्वों में क्या अवस्था रहेगी। तो लेकिन ये भी जो है इसकी दर जो है निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से है घनत्व, घनत्व भी पृथ्वी की गहराई के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन कितना घनत्व की परिवर्तन की दर क्या है ये नियत नहीं है। इसी प्रकार से हमने देखा कि अगर हम उल्कापात यानी मेटियोराइट्स जो होते हैं, हमने इनका अध्ययन कर लिया, कि हमने सोचा कि जो सौर मंडल है उसके अंदर जितने भी जो कॉस्मिक बॉडी है, जितने भी खगोलीय पिंड है, उन सब की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है, और सूर्य से उत्पत्ति हुई है तो उन सब की संरचना लगभग सेम सेम होगी। तो हमने सोचा कि किसी
उल्का पिंड का अध्ययन कर लेते हैं, पृथ्वी की संरचना भी लगभग वैसी होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं वो सारे के सारे ग्रह अलग अलग ग्रह हैं। जो शुरुआती 4 ग्रह हैं सूर्य के सबसे नजदीक के ग्रह हैं, जिन्हें हम जो है पार्थिव ग्रह कहते हैं, उनकी संरचना चट्टानी है, जबकि आखिरी के जो 4 ग्रह हैं उनकी चट्टान उनकी संरचना गैसीय है। तो जब 8 के 8 ग्रह ही समान होंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई उल्का पिंड जो आ रहा है वो पृथ्वी के समान ही होगा? तो उल्का। इसके अलावा फिलहाल वर्तमान में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड, जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला मान्य जो है स्रोत है, वो है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे या सिस्मिक वेव्स, इनसे हमें कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है ये समझिए। जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, ये किसी भी जगह जहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप का जो मूल है, भूकंप को हम एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ हम भूकंपीय तरंगों के समझते हैं कि उनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे पता चलती है। तो जहां भी भूकंप की उत्पत्ति होती है वहां से कुछ भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, और भूकंपीय तरंगें संपूर्ण पृथ्वी पर गति करती हैं। जब वो संपूर्ण पृथ्वी पर गति करती हैं तो घनत्व बदलने पर, माध्यम बदलने पर ये तरंगें विभिन्न प्रकार से व्यवहार करती हैं। दो प्रकार की मुख्य रूप से भूकंपीय तरंगें होती हैं, पी और एस तरंगें, पी तरंगें और एस तरंगें। जो पी तरंगें होती हैं ये सभी माध्यम में गति कर सकती हैं, लेकिन एस तरंगें सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में ही गति कर सकती हैं, और ठोस माध्यम में गति कर सकती हैं, द्रव माध्यम में लुप्त हो जाती है। पी जो है सभी माध्यमों में गति कर सकती हैं। तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के कुछ हिस्से पर एस तरंगें नहीं पाई जाती, इसका मतलब वो हिस्सा कैसा है, द्रव अवस्था में है। इसके अलावा ये जो तरंगें होती हैं, जब घनत्व बढ़ता है तो इन तरंगों की जो गति है वो तेज हो जाती है, और जब घनत्व घटता है तो इन तरंगों की गति धीमी पड़ जाती है। तो इस आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है कि कहां पर घनत्व बढ़ रहा है, कौन सी जगह द्रव अवस्था में है, और इस आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया है। तो भूकंपीय तरंगें फिलहाल सबसे मान्य स्रोत है। तो ये स्रोत हो गए, स्रोत ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये स्रोत हो गए, स्रोत पर आपके दो नंबर का क्वेश्चन जो है मेंस के अंदर आ सकता है। आगे चलते हैं, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसके अंदर हमने इसको समझने के लिए पृथ्वी के अंदर से केक की तरह एक पाई को काट लिया, और इस पाई को जो है हमने अब समझते कैसे कैसे अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें पृथ्वी, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है इस पर हमने देखा कहीं महासागर है, कहीं पर महाद्वीप है। तो इस आधार पर हमने दो प्रकार की भूपरपटी मानी है, महाद्वीपीय भूपरपटी और महासागरीय भूपरपटी। एक ऐसी भूपरपटी जिसके ऊपर क्या है, महासागर है, उसे महासागरीय भूपरपटी, जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है, और एक भूपरपटी जिसके ऊपर वायु है उसे हमने बोला महाद्वीपीय भूपरपटी। तो महाद्वीपीय भूपरपटी की अगर हम बात करें तो महाद्वीपीय भूपरपटी के ऊपर क्या है, हवा है, और हवा है तो हवा का वजन पानी के वजन से तो कम है। तो जिस भूपरपटी के ऊपर जल है उस जल के दबाव के कारण भूपरपटी की जो मोटाई है वो कम हो जाती है, इसलिए महासागरीय भूपरपटी की मोटाई महाद्वीपीय भूपरपटी से कम होती है, क्योंकि महाद्वीपीय भूपरपटी के ऊपर हवा है तो हवा के कारण क्या होगा, इतना दबाव नहीं है तो वो फूली रहेगी। लेकिन जैसे इसके ऊपर पानी बढ़ गया तो पानी का वजन है जिसके कारण ये पिचक जाएगी, तो महासागरीय भूपरपटी की मोटाई कम है। दूसरी चीज, जब मोटाई कम है तो क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा। भाई तत्व तो वही रहेंगे, उतने ही तत्व हैं, और उतने ही तत्व हैं लेकिन कम आयतन में, कम क्षेत्र में आएंगे, तो घनत्व जो है उनका बढ़ जाएगा, वो भारी हो जाएंगे। तो महासागरीय भूपरपटी भारी होती है महाद्वीपीय भूपरपटी से। तो आपसे क्वेश्चन भूपरपटी पे आ सकता है, सबसे ऊपरी जो संरचना है पृथ्वी की उसे बोलते हैं भूपरपटी या क्रस्ट। और भूपरपटी दो तरह की है, महाद्वीपीय और महासागरीय। महाद्वीपीय जो भूपरपटी है इसकी जो मोटाई है ये ज्यादा है, मोटाई अधिक है, और महासागरीय भूपरपटी की मोटाई तुलनात्मक रूप से कम है। अब कितनी ज्यादा कितनी कम है, इसकी मोटाई है लगभग 30 से 70 किलोमीटर, और इसकी मोटाई है लगभग 5 से 30 किलोमीटर। ठीक है, तो मोटाई अलग अलग है। इसके अलावा महाद्वीपीय भूपरपटी का घनत्व जो है वो कम है, डेंसिटी कम है, और जबकि इसका घनत्व जो है वो ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो भूपरपटी का घनत्व कितना है, भूपरपटी का जो औसत घनत्व है
पूरी भूपर्पटी का, ये लगभग आता है 2.9 से या 2.7 मान लीजिए, 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो वहां जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना है, 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दो प्रकार की भूपर्पटी है। अब इन दोनों प्रकार की अलग अलग भूपर्पटी को बताने के लिए हमें भूकंपीय तरंगें थी, और भूकंपीय तरंगें जैसे ही घनत्व परिवर्तन होता है वैसे ही उनकी गति परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे ही महाद्वीपीय से महासागरीय भूपर्पटी की ओर जाएंगे तो घनत्व परिवर्तन होगा, घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, उनकी गति बढ़ जाएगी। इसलिए जो है जहां पे भी घनत्व परिवर्तन होता है उस जगह पर एक विसंगति पाई जाती है। विसंगति मतलब जो दूसरे क्षेत्र से संगत ना हो, उसके जैसा ना हो, विसंगति मतलब उससे अलग हो। तो जैसे ही दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो ऐसे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें हमने कुछ विसंगतियां मानी है। तो जो पहली विसंगति है वो क्या है, ये वाली। इस विसंगति का जो नाम है वो हमने रखा है कोनार्ड विसंगति। इसका नाम है कोनार्ड, कोनार्ड विसंगति है ना। विसंगतियां बोलते हैं या असंबद्धता, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं विसंगति या असंबद्धता। अब जो ये भूपर्पटी है इसकी मोटाई निश्चित नहीं है। मोटाई निश्चित क्यों नहीं है, जैसे अगर हम बात करें महासागरों के ऊपर भी पर्वत होते हैं जो द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं, पृथ्वी के चट्टानों के ऊपर भी जो है सतह के ऊपर, महाद्वीपों के ऊपर भी पर्वत है। जैसे मान लो हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर, यानी लगभग 8 से 9 किलोमीटर। अब 9 किलोमीटर मान लो ऊंचा पर्वत है, तो कहीं पर 9 किलोमीटर ऊंचा है, कहीं पर इतना ऊंचा है नहीं, कहीं पर सपाट सतह है, प्लेन है, 250 से 300 मीटर ऊंचाई है। तो बेसिकली पृथ्वी पर ऊंचाई निश्चित नहीं है, ऊंचाई निश्चित नहीं है, तो भूपर्पटी की मोटाई निश्चित नहीं है। तो भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों में हमने मानी 30 से 70 और महासागरों में 5 से 30। तो इसी मोटाई के आधार पर हमने देखा कि पृथ्वी पर दो तरह की भूपर्पटियां हैं, ये है महासागरीय भूपर्पटी और ये है महाद्वीपीय भूपर्पटी। इसकी मोटाई निश्चित नहीं है। अब इसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं मेंटल। मेंटल की जो अधिकतम गहराई है वो है 2900 किलोमीटर तक, और इसके भी दो हिस्से हैं। दो हिस्से कैसे, 700 किलोमीटर और 2900 किलोमीटर गहरा। जो 700 किलोमीटर तक की गहराई वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं ऊपरी मेंटल। और ऊपरी मेंटल के अंदर एक हिस्सा है जो लगभग 200 से 400 किलोमीटर गहरा है, या कुछ किताबों के हिसाब से 100 से 200 किलोमीटर गहरा है। तो लगभग इसकी गहराई मान लीजिए, हमने मान ली 100 से 200 किलोमीटर के बीच में है। इसको हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल। इसको दुर्बलता मंडल क्यों कहा जाता है, इसको दुर्बलता मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो जगह है जहां पर चट्टाने अर्धगलित अवस्था में है। दुर्बलता मंडल जो है वो कैसा है, दुर्बलता मंडल अर्धगलित अवस्था में है। दुर्बलता मंडल इसी को बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में बात करें तो गहराई, गहराई क्या है इसकी, 100 से 200 किलोमीटर। कुछ किताबों में 200 से 400 लिखा रहता है, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई सा भी लिखें दोनों मान्य है। तो गहराई 100 से 200 किलोमीटर। चट्टानों की अवस्था कैसी है, अर्धगलित अवस्था है। अर्धगलित क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तापमान ज्यादा है। अब तापमान ज्यादा क्यों है, तापमान ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रेडियो सक्रिय जो तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनकी प्रधानता है। और रेडियो सक्रिय तत्वों के कारण क्या होता है, ऊष्मा बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से क्या होता है, चट्टानी अर्धगलित अवस्था में आ गई। चट्टानी अर्धगलित अवस्था में आ गई तो दोबारा जो भूकंपीय तरंगे हैं तो घनत्व कैसा हो गया, थोड़ा सा अर्धगलित अवस्था। अर्धगलित अवस्था है तो पी और एस तरंगे कैसी हो जाएंगी, थोड़ी सी धीमी पड़ जाएंगी। जो पी और एस तरंगे दो हमने देखी थी तो दुर्बलता मंडल में ही कैसी होगी, थोड़ी धीमी पड़ गई। तो दुर्बलता मंडल को हम क्या कहते हैं, धीमी गति का क्षेत्र कहते हैं, धीमी गति का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, धीमी गति का क्षेत्र कहते हैं। अब इसके अंदर हम बात करें
ऊपरी मेंटल, तो ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर पे क्या है अटगलित अवस्था, जिसे दुर्बलता मंडल कह रहे हैं, और 100 किलोमीटर के ऊपर जितना भी ऊपरी मेंटल का हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये भी ऊपरी मेंटल का हिस्सा है, तो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल का हिस्सा, यानी कि इस पूरे हिस्से को, यहां तक के हिस्से को हम बोलते हैं स्थल मंडल, या जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। स्थल मंडल जो है वो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, उत्प्लावित है, ऐसे बोलते हैं, स्थल मंडल दुर्बलता मंडल के ऊपर उत्प्लावित है, तैर रहा है, क्योंकि ये अर्धगलित अवस्था है, जैसे सॉस होता है वैसा है, और इसके ऊपर स्थल मंडल ठोस है, उसके ऊपर तैर रहा है, ठीक है। तो स्थल मंडल इसके ऊपर वाला हिस्सा है, जिसके अंदर भूपर्पटी और ऊपरी मंडल का कुछ हिस्सा शामिल है, तो इसे हम बोलते हैं स्थल मंडल और ये दुर्बलता मंडल। अगर हम पूरे मेंटल की बात करें तो मेंटल का जो घनत्व है, मेंटल का जो औसत घनत्व है वो कितना है, वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पूरी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है लगभग इसका औसत घनत्व है। अब इसके अलावा इसमें अपन बात करें तो यहां पर मेंटल जो है इसके अंदर मुख्यतः दो तत्व पाए जाते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, और इसलिए इसको बोला जाता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम मिला के सीमा, ठीक है। तो मेंटल को सीमा भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। जबकि अगर हम बात करें भूपर्पटी की, भूपर्पटी, तो भूपर्पटी के अंदर जो है मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम मिलता है, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, तो इसको बोलते हैं सियाल। इसको क्या बोला जाता है, भूपर्पटी को सियाल बोला जाता है। भूपर्पटी का औसत घनत्व 2.7 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और जो मेंटल है इसका औसत घनत्व कितना है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब मेंटल की बात करें तो पूरी पृथ्वी के आयतन का, पूरी पृथ्वी के आयतन का लगभग 87% किसके अंदर आ जाता है, मेंटल के अंतर्गत आ जाता है। पूरी पृथ्वी का आयतन जितना भी है 100% आयतन है पूरी पृथ्वी का, तो मेंटल का आयतन कितना है, मेंटल का जो आयतन है वो कितना है 87% है, लगभग हम बोल सकते हैं बेसिकली सॉरी 83% है, 83%। और अगर हम बात करें पूरी पृथ्वी का जितना भी भार है, द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान का लगभग 16% किसके अंदर संकेंद्रित है, किसके अंदर संकेंद्रित है, मेंटल के अंदर, सॉरी इसको लगभग 67% है ना, 67% द्रव्यमान और आयतन 83% किसके अंदर संकेंद्रित है, मेंटल के अंदर। क्यों, क्योंकि देख सकते हो मेंटल की जो गहराई है वो कितनी है, मेंटल की गहराई है लगभग 2900 किलोमीटर तक, 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक। टोटल मोटाई कितनी हो गई, लगभग अगर हम देखें 2800 किलोमीटर मिनिमम हो गई, तो 2800 किलोमीटर मिनिमम है, तो इतनी गहराई में सबसे ज्यादा तो आयतन आ गया पृथ्वी का, और सबसे ज्यादा क्या आ गया, भार आ गया। तो पृथ्वी के भार का कितना 67% और पृथ्वी के आयतन का 83% किसके अंतर्गत है, मेंटल के अंतर्गत है, ठीक है। अभी हम चलिए हम बात कर रहे हैं मेंटल के अंदर, तो हमने देखा निचला मेंटल, निचला मेंटल जो है इसका जो घनत्व है उससे ज्यादा है। अब देखो हम भूपर्पटी से मेंटल पर आए, भूपर्पटी से मेंटल पर आए इस जगह पर, तो यहां पर भी एक विसंगति मिलेगी, यहां पर भी एक विसंगति मिलेगी, इसका नाम है मोहरोविस्तिक, मोहरोविस्तिक असंबद्धता या विसंगति, मोहरोविस्तिक, इसको शॉर्ट में मोहो भी बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करें निचला मेंटल और ऊपरा मेंटल, ऊपरी मेंटल, इसके बीच में भी एक विसंगति मिलेगी जिसे बोलते हैं रैपिटी विसंगति, रैपिटी असंबद्धता या रैपिटी विसंगति। अब निचला मेंटल के नीचे है क्रोड, क्रोड इसको बोलते हैं बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड, और इसको आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड। जो बाह्य क्रोड है इसकी गहराई है 5150 किलोमीटर, और जो आंतरिक क्रोड है ये पृथ्वी की त्रिज्या तक चला गया, ठीक है। तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, अब इन दोनों के अंदर क्या खास बात है, पहले तो यहाँ विसंगति की बात कर लेते हैं। वही घनत्व बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर गहराई पे जा रहे हैं घनत्व बढ़ता जाएगा। बाह्य क्रोड जो है इसकी, इसका घनत्व निचले मेंटल से ज्यादा है, तो वही पी और एस तरंगों की गति चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो विसंगति मिलती है इसे बोलते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग विसंगति या गुटेनबर्ग असंबद्धता,
और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में जो विसंगति है इसका नाम है लेहमान, विसंगति और असंगतता। तो ये तो सारी असंगतता। अब बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बारे में बात करते हैं। हमने देखा गहराई के साथ साथ तापमान बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ तक आते आते तापमान इतना बढ़ जाता है कि चट्टानी पूरी तरह से पिघल जाती है। तो बाह्य क्रोड की बात करें तो जो बाह्य क्रोड है आउटर कोर है, ये पूरी तरह से द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था में क्यों है? क्योंकि यहाँ तक तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और द्रव अवस्था में है इसलिए एस तरंगे यहाँ पर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। एस तरंगे यहाँ पाई ही नहीं जाती क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में गति कर सकती है, द्रव माध्यम में गति नहीं कर सकती, तो यहाँ पे आके लुप्त हो जाती है। तो बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में। जबकि आंतरिक क्रोड की बात करें, आंतरिक क्रोड, तो आंतरिक क्रोड जो है ये द्रव अवस्था में नहीं है, ये ठोस अवस्था में। अब ये ठोस अवस्था में क्यों है? यहाँ तो तापमान और ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ तक आते आते ऊपर की चट्टानों का इतना दबाव पड़ता है इसके ऊपर की चट्टानों को फैलने का मौका नहीं मिलता। कोई भी चीज ठोस से द्रव में कब बदलेगी? जब कणों के बीच में दूरी बढ़ जाएगी। अब कणों के बीच में दूरी बढ़ने की जगह ही नहीं है तो ठोस द्रव में कैसे बदलेगा? तो यहाँ तक आते आते इतना दबाव पड़ गया, पर यहाँ तो 2900 किलोमीटर था, यहाँ 5150 किलोमीटर हो गया। इतना दबाव है कि आंतरिक क्रोड कैसा है? ठोस अवस्था में है। ध्यान रखेंगे आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। अब पूरे के पूरे अगर क्रोड की बात करें, जो संपूर्ण क्रोड, संपूर्ण क्रोड जो है इसका जो घनत्व है वो कितना है? औसत घनत्व लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसके अलावा हम बात करें जो संपूर्ण क्रोड है इसके अंदर मुख्यतः दो तत्व पाए जाते हैं, निकल और लोहा, और इसको बोलते हैं निकल और फेरस। आयरन को क्या बोलते हैं? फेरस। तो ये जो है इसको बोला जाता है नीपे, शॉर्ट में इसको बोलते हैं नीपे। तो ध्यान रखेंगे जो आक्रोड है इसको नीपे बोला जाता है। तो अभी तक हमने देखा जो भूपरपटी है, भूपरपटी को हम बोल रहे थे सियाल, भूपरपटी को हमने बोला सियाल, जो मेंटल है इसको हमने बोला सीमा, और जो क्रोड है इसको हमने बोला नीफे। तो अगर एक तरह से इसको कंक्लूड करें, देखो हमने देखा भूपरपट्टी सबसे ऊपर, भूपरपट्टी का औसत घनत्व 3 मान लीजिए 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, मेंटल, मेंटल का औसत घनत्व 5.5 और क्रोड का औसत घनत्व कितना हो गया 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यूनिट याद रखेंगे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जैसे जैसे गहराई पर जा रहे हैं घनत्व बढ़ता जा रहा है। फिर हम देखिए इसको हम बोल रहे हैं सियाल सीमा और नीफे। क्या बोल रहे हैं? सियाल सीमा और नीफे। यहाँ है सिलिका एल्यूमिनियम, यहाँ पे सिलिका मैग्नीशियम, दूसरा यहाँ पे क्या है निकल और फेरम। फिर हम बात करें इनके बीच में विसंगति की, तो महाद्वीपीय महासागरीय भूपरपट्टी के बीच में कोनार्ड विसंगति, फिर भूपरपट्टी और मेंटल के बीच में कौन सी मोरोविसिक, फिर हम बात करें ऊपरी मेंटल निचले मेंटल के बीच में रैपिटी, निचले मेंटल और क्रोड के बीच में गुटेनबर्ग, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में लेहमान विसंगति। तो ये अलग अलग विसंगतियां हैं। इनकी गहराई की बात करें तो भूपरपट्टी की जो मोटाई है निश्चित नहीं है, महाद्वीपीय भूपरपट्टी की मोटाई ज्यादा है 30 से 70 और महासागरी की कम है 5 से 30, तो ओवरऑल मान ले तो अधिकतम 70, ठीक है। फिर हम बात करें मेंटल जो है, मेंटल की ऊपरी मेंटल की गहराई 700 किलोमीटर, निचले मेंटल की 2900, बाह्य क्रोड की 5150 और आंतरिक क्रोड की पृथ्वी की त्रिज्या तक 6371 किलोमीटर। इन ऊपरी मेंटल के कुछ क्षेत्र पर क्या पाया जाता है? मोहरोविसिक दुर्बलता मंडल, क्योंकि वहां पे क्या है अर्धगलित अवस्था में चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि रेडियो सक्रिय तत्व बहुत ज्यादा है जिनकी वजह से चट्टानें पिघल जाती है, पिघल जाती है तो ये क्षेत्र अर्धगलित अवस्था में है, धीमी गति का क्षेत्र इसे कहते हैं। तो ये जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इससे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है सियाल पर, तो सियाल पर क्वेश्चन आ चुका है, पूरे पर भी आ सकता है, 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा यहाँ से हम बात करें तो इसका 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन फिर से आ सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा टॉपिक था, सिलेबस का पार्ट है, आपके समझ में आ गया होगा, इजी सा टॉपिक था। यहाँ से एक दो चीजें बोनस जो है, मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो उस हिसाब से हम पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर मुख्यतः कौन से तत्व मिलते हैं। तो सिर्फ एक क्वेश्चन आता है भूपरपट्टी पर, तो पृथ्वी की सिर्फ भूपरपट्टी की बात करें तो पृथ्वी की भूपरपट्टी 98.5% 8 तत्वों से बनी हुई है, यानी पूरी 8 तत्व मिलकर पूरी भूपरपट्टी का 98.5% बनाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम। जैसा हमने देखा था पृथ्वी की भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है सिलिका, तो सिलिकन,
और एल्यूमिनियम हो गया है, दूसरा सियार बोलते हैं इसको, फिर है लोहा, है ना, चौथा जो प्रमुख तत्व है वो है लोहा। फिर हम बात करें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम सातवें नंबर पे, और लास्टली मैग्नीशियम आठवें नंबर पे। तो पृथ्वी की भूपरपट्टी में मुख्य रूप से ये आठ तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से आठ तत्व हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और पृथ्वी की भूपरपट्टी का लगभग 96% तो अकेला किससे बनता है? ऑक्सीजन से बनता है। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि संपूर्ण पृथ्वी में कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं? तो संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले मुख्य तत्व जो है वो कौन कौन से हैं? जैसे हम बात करें सबसे ज्यादा तो मिलने वाला है लोहा। संपूर्ण पृथ्वी में लोहा सबसे ज्यादा मिलता है और भूपरपट्टी में लोहा चौथे नंबर पे आता है, ध्यान रखिए, है ना। संपूर्ण पृथ्वी में लोहा सबसे ज्यादा है, फिर दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन। भूपरपट्टी में ऑक्सीजन 46% थी और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? दूसरे नंबर पे। वैसे भी ऑक्सीजन जो है गैस के रूप में स्थायी रहती है, तो गैस के रूप में सबसे ऊपरी जो भूपरपट्टी है उसी से क्रिया कर करके भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा मिलती है। तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे है सिलिकन, चौथे नंबर पे है मैग्नीशियम, उसके बाद निकल। हमने देखा था जो क्रोड है वो किससे बना था? लोहे और निकल से बना था। जो भूपरपट्टी थी वो ऑक्सीजन और सिलिकन और एल्युमिनियम से बनी थी, और जो मेंटल था वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना था। फिर छठे नंबर पे सल्फर और सातवें नंबर पे टाइटेनियम। ये प्रमुख तत्व पूरी पृथ्वी में पाए जाते हैं। पूरी पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व ये हैं और भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले जो तत्व थे वो ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऐसा क्वेश्चन भी 2 मार्कर आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये छोटा सा चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं, और इसके अलावा मुझे व्हाट्सएप तो आप कभी भी कर ही सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8209844031। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप इस बार मेल दे रहे हैं तो कोई ज्योग्राफी का आंसर आप चेक कराना चाहते हैं राइटिंग जो है प्रैक्टिस के लिए, तो आप मुझे फोटो खींच के अच्छी क्वालिटी की इमेज इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका आंसर चेक करके आपको कॉमेंट कर दूंगी। तो ये क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा खुद का चैनल है, तो आपकी डिमांड पर भी जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के इस पर जरूर से अपलोड कर दूंगी। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मेंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक आरएस मेंस नाम का फोल्डर आपको दिखेगा, जिसके अंदर आपको आरएस मेंस के जो टॉपिक है उन पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लगभग 70 से ऊपर जो है वीडियोस है उसके अंदर। तो क्लास को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय।